लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडली मुख्यालय अंतर्गत बाजार के दुर्गा मंदिर परिसर स्थित गणपत बप्पा महोत्सव पर लगातार प्रतिदिन चल रहे रामकथा भजन कीर्तन से श्रद्धालुओं द्वारा झूम उठने की है। गणपत बप्पा पूजा समिति के सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि गणपत बप्पा रिद्धि सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता है, सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे भी हमारे संस्कृत में प्रथम पूजा गणपत बप्पा से शुरुआत की जाती है। गणपत बप्पा सभी का कष्ट दूर करते हैं और काल और कष्ट सभी दुख हटते हैं। गणपत बप्पा महोत्सव पर आज कई दिनों से दीदी द्वारा श्रद्धालुओं के बीच राम कथा वचन भजन कीर्तन किया जा रहा है, ताकि जितने भी महिला पुरुष बच्चे श्रद्धालु हैं सभी मिलकर इस भक्तिमय का लाभ उठाएं। वैसे भी मंदिर जाने से भजन कीर्तन में शामिल होने से लोगों का मन शांत होता है, साथ ही मंदिर आने से कुछ देर मंदिर में समय बिताने से शांति के साथ सुख समृद्धि की भी अनुभव होने लगती है। वहीं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह भी किया जाता है, काम तो सभी के पास होता है लेकिन कुछ समय का फुर्सत निकाल कर मंदिर जाएं और अपने संस्कृति को ना भूलें। नहीं हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार सुबह या शाम को अपने नजदीकी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन पूजा अर्चना जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक बार शुरुआत जरूर करें, कम से कम आपको अनुभव भी मिल जाएगा। दिलदार खान, सुपौल, बिहार, R9 भारत। जनता के बीच कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? निश्चित ही जनता के बीच संदेश देना चाहेंगे। जब जब धरती पर आपात हुई है, जब जब धरती पर भ्रष्ट लोगों की उत्पत्ति हुई है, जब जब यहाँ अन्याय हुआ है, तो निश्चित ही भगवान अवतार लिए हैं, चाहे वो राम के रूप में हुआ हो, कृष्ण के रूप में हुआ हो, दुर्गा के रूप में हुई हो। हर एक पापी को नाश करने के लिए वो अपना रूप बदल बदल के अवतरित हुए हैं और वही मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी चर्चाएं आज हो रही हैं।